सुपरहिट फिल्मों के लिए ही नहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी पूरा पटौदी खानदान चर्चा में रहा है। पटौदी खानदान 2-3 शादियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। सैफ अली खान के पिता के बाद सैफ अली खान की शादी भी खूब चर्चा का विषय बनी रही। इतना ही नहीं, सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान की शादी भी खूब चर्चा में रही और इसकी वजह उनके पति कुणाल खेमू है, जो पंडित परिवार से आते हैं, लेकिन शादी उनकी मुस्लिम लड़की से हुई थी। और कई बार ऐसा हुआ जब कुणाल को रोना पड़ा और आज फिर वो अपने जन्मदिन पर एक बात शेयर करते हुए सबको रुला गए। कुणाल खेमू को आज भी दुख है कि वो कभी बतौर लीड एक्टर सफल नहीं हो पाए, जबकि कुणाल खेमू बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में लगे हैं। उसके बाद भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिसकी उन्हें जरूरत थी। कुणाल का जन्म 25 मई 1983 को एक कश्मीर पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि और माँ ज्योति थी। उनके पिता भी एक्टर थे। कुणाल लीड एक्टर के तौर पर कभी बड़े अभिनेता तो नहीं बन पाए, लेकिन सह कलाकार के रूप में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वहीं दूसरी तरफ वो पेशेवर से ज्यादा अपनी निजी जीवन को लेकर भी चर्चा में रहे। इसके अलावा वो कई बार विवादों में भी घिरे हैं। पिछले कुछ समय से कुणाल बॉलीवुड फिल्मों और एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। अभिनेता से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कुणाल ने मुंबई के निरंजन लाल डालमिया हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। कुणाल के शुरुआती एक्टिंग के गुरु उनके पिता रवि थे। कम लोगों को ही पता है कि कुणाल खेमू के दादा मोतीलाल खेमू भी एक्टिंग की दुनिया से आते हैं। वो कश्मीर में नाटककार थे। कुणाल की शादी ने खूब चर्चाएं बटोरी थी। इसका कारण था कि नवाब पटौती की बेटी और सैफ अली खान की बहन सोहाली खान से शादी करना। फिल्म ढूंढते रह जाओ के दौरान इनकी दोस्ती सोहाली खान से हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हुआ। उन्होंने 25 जनवरी 2015 को शादी कर ली और इस जोड़ी की आज एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम इनाया नौमी है। कुणाल खेमू ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दूरदर्शन के शो गुल गुल गुलशन गुलफान से 1947 में की थी और फिर 1983 में महेश भट्ट की फिल्म सर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। वो राजा हिंदुस्तानी, जख्म, भाई हम है राही प्यार के जैसी कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुके। एक समय में बाल कलाकार के रूप में वो सबसे ज्यादा चर्चित कलाकार थे। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने फिल्म कलयुग से बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था। इसी साल कुणाल मधुर दांडारकर की फिल्म ट्रैफिक सिग्नल का भी हिस्सा बने। इस फिल्म ने बहुत कम कमाई की थी। इसके बाद वो फिल्म ढोल, ढूंढते रह जाओगे, जय वीरू, गोलमाल सीरीज में भी नजर आए। गोलमाल को छोड़कर कोई फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अब कुणाल यहीं से पीछे हटने लगे। कुणाल उन गिने चुने कलाकारों में आते हैं जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तो खूब नाम कमाया, लेकिन बड़े होकर वो कमाल नहीं दिखा पाए और इंडस्ट्री से गायब ही होते चले गए। खेमू साल 2020 में फिल्म मलंग का भी हिस्सा थे। पिक्चर में वो नेगेटिव शेड का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म लूट केस का भी हिस्सा रह चुके। कुणाल मीडिया से भी बने रहते हैं और आए दिन वो अपनी पत्नी सोहा और बेटी नाया को लेकर नजर आते रहते हैं। बॉलीवुड फिल्म स्टार करीना कपूर खान हाल ही में मुंबई के एक क्लिनिक में जाते हुए स्पॉट की गई थी। उन्हें बहुत बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचाते देखा गया। करीना बिल्कुल चलने में असहज महसूस कर रही थी। उन्हें दो लोग पकड़कर हॉस्पिटल ले जाते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर कमजोरी और मायूसी भी साफ दिखाई दे रही थी। करीना की हालत देखकर उनके घर में मातम पसर गया। परिवार तो चिंता में, साथ ही फैंस भी घबराए बैठे हैं। हॉस्पिटल पहुंची करीना की फोटो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है। फैंस चिंता कर रहे हैं। इन फोटोज में करीना कपूर खान ने ब्लैक ट्रैकिंग सूट पहना हुआ है जिसमें वो परेशान हालत में क्लिनिक के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो बहुत हल्के से पैर बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही हैं। एक्ट्रेस की फोटोज इस वक्त तेजी से वायरल हो रही हैं। करीना कपूर खान की इन फोटोज में मुंबई के एक क्लिनिक में जाते हुए देखा गया जहां एक्ट्रेस बहुत परेशान दिख रही है। हालांकि अभी तक उनकी इस हालत का पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीना काफी वक्त से परेशान थी और ना चाहते हुए भी जब उनकी हालत बहुत ज्यादा डाउन हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा।
खबरें तो ऐसी भी है कि जब से करीना कपूर दूसरे बच्चे की मां बनी है तब से ही वो बीमार चल रही है। उन्होंने हॉस्पिटल जाने का सोचा था, लेकिन जिस तरह से इस वक्त हॉस्पिटल के बुरे हालात दिख रहे हैं, वो डर रही थी और वो हॉस्पिटल से बच रही थी। लेकिन जब उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है तो उन्होंने हॉस्पिटल जाने का विचार किया और हॉस्पिटल में उन्हें बुरी हालत में देखा गया। फिलहाल तो इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं और करीना को लेकर चिंता कर रहे हैं। टीवी की जोधा यानी परिधि शर्मा की खबर से फैंस को उस वक्त झटका लगा जब हॉस्पिटल के हालात देखे और परिधि के मासूम बेटे को रोते बिलखते देखा गया, क्योंकि सिर्फ परिधि का बेटा ही बचा था जो बीमारी से बच गया। बाकी उनके घर के सभी सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस वक्त तो आप जानते ही हैं कि कोई किसी के घर जाना तो छोड़ो, बात करना भी पसंद नहीं कर रहा है। ऐसे में परिधि के बेटे को ना कोई खाना खिलाने वाला है और ना ही उसकी देखभाल करने वाला है, क्योंकि परिधि खुद क्वारंटाइन है और वो चाहकर भी अपने बच्चे के पास नहीं आ पा रही है, क्योंकि उन्हें इस बीमारी से अपने बच्चे को बचाना है। परिधि अपने बच्चे की वजह से काफी चिंता में है, सोच विचार कर रही है और वो बेटे के लिए तरस रही है, रो रही है, लेकिन इस वक्त कोई भी उनकी परेशानी नहीं समझ सकता। आपको बता दें, परिधि से पहले आज ही एक और एक्टर अमित मिस्त्री का निधन हो गया, जिसने हर किसी को सदमे में पहुंचा दिया। अमित भी बहुत कम उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। जब से परिधि को ऐसी खबर मिल रही है, उनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। लोग बस परिधि और उनके परिवार के लिए दुआएं कर रहे हैं, वो जल्दी इस बीमारी से जंग लड़कर अपने घर वापस लौट आए। हालांकि परिधि जल्दी रिकवर कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त लोग सही होने के बाद दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, उससे हर कोई सदमे में बैठा है। हर कोई हॉस्पिटल जाने से भी डर रहा है। लोग घर में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के हाल पल पल में बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में परिधि ने भी घर में इलाज कराने की ठानी और वो अपने घर इंदौर में एक कमरे में बंद होकर अपना इलाज करा रही हैं। परिधि के परिवार वालों का भी इलाज चल रहा है और इस वक्त हर कोई बस दुआएं मांग रहा है। परिधि ने कहा कि प्लीज जो लोग मेरे संपर्क में आए वो अपना टेस्ट करवाएं और अपना फौरन इलाज करवाएं। आपको बता दें, परिधि से पहले अर्शी खान भी ऐसी मुश्किल का सामना कर रही हैं। वो भी परिवार से दूर अकेले कमरे में बंद होकर इस बीमारी से जंग लड़ रही हैं। आम जनता तो जिंदगी गवा ही रही है, साथ ही खतरनाक बीमारी की चपेट में आकर वो स्टार्स भी दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, जो 24 घंटों मास्क, सैनिटाइजर और भीड़ भाड़ वाले इलाके से खुद को बचा रहे थे। ऐसे लोग भी बीमारी से बच नहीं पा रहे, और फिर क्या, कम उम्र में लोग हमें छोड़कर जाते जा रहे हैं। और आज फिर एक कम उम्र का स्टार हम सबको छोड़कर चला गया। ये स्टार कोई और नहीं बल्कि अमित मिस्त्री हैं। हालांकि खबरें तो ऐसी हैं कि अमित को हार्ट अटैक पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी हैं कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और इसी चिंता में एक्टर को हार्ट अटैक पड़ा और वो दुनिया को अलविदा कह गए। उनके परिवार में मातम फंस रहा है, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि इतनी कम उम्र में उनका ये सदस्य उन्हें छोड़कर चला जाएगा। अमित के ऐसे अचानक चले जाने से हर किसी को सदमा लगा है। फिल्म और टीवी जगत की कई हस्तियों ने शोक जताया। कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने लिखा, मैं एक शो की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार था, अमित भी इसका हिस्सा है। उनकी प्रतिभा और उनका नजरिया देखने वाली चीज थी। हमने आज वास्तव में एक अद्भुत कलाकार को खो दिया है, आत्मा को शांति मिली।